हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बेबी फ्रॉक बनाना बताऊंगी। तो फ्रॉक बनाने के लिए ये मैंने कपड़ा लिया है। कपड़ा मैंने टू फोल्ड में रख लिया है। कपड़े को मैंने पन्ने में लिया है, यानी कि पन्ने को मैंने डबल करके इस तरह से रख लिया है। अब इसकी चौड़ाई आपको दिखा देती हूँ। चौड़ाई आप देख सकती हैं 21 इंच है, यानी कि इसको सिंगल पार्ट करने पर 42 इंच है। पन्ने की चौड़ाई है 42 इंच और कपड़े की जो लेंथ है वो है 11.5 इंच। तो इसी कपड़े में हमें फ़्रॉक को बनाना होगा। ये फ्रॉक हमारा 0 से 3 मंथ के बेबी के लिए होगा। तो मैंने कपड़े को इस तरह से टू फोल्ड में किया हुआ है। इसको अच्छे से सेट कर लेंगे, फिर यहाँ से हम लंबाई नापेंगे, जो कि हमने निशान लगाना है 4 इंच पर। तो 4 इंच पर मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया है। इसको हमें सीधा निशान को कर लेना है और यहाँ से हमें कपड़े को कट करना होगा। तो यहाँ से मैंने कपड़े को कट करके अलग कर दिया है। ये हमारा फ्रॉक का टॉप पार्ट होगा, ये हमारा घेर रहेगा। घेर को यहाँ से 4 फोल्ड में कर लेंगे। कपड़े को साइड में करेंगे, पहले घेर में हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि ये बहुत छोटे बेबी के लिए है, तो इसलिए हमें यहाँ पर 1.5 इंच ही लेना है। थोड़ा बड़े बेबी के लिए रहेगा तो 2 इंच लेंगे। नीचे की साइड से भी मैंने 1.5 इंच पर ही निशान लगाया है। तो इस तरह से बॉक्स बना लेंगे और राउंड शेप देंगे। ये हमारे आर्महोल का निशान होगा। तो इस तरह से मैंने निशान लगा दिया है। यहाँ से हमें कपड़े को कट कर लेना होगा। तो कपड़े को तो मैंने कट कर दिया है। अब इस घेर को हम साइड से कट करके अलग अलग कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा घेर। इसको हम इस तरह से फिर फोल्ड करेंगे 4 फोल्ड में, और बीच में हम एक कट लगा देंगे, जो कि हमारे बीच का एक निशान होगा। सिलाई करने में इजी रहेगा। तो पहले हम इसको साइड में रखेंगे और ये वाला कपड़ा लेंगे जो हमें टॉप पार्ट बनाना है। तो यहाँ से हम चौड़ाई नापेंगे 8 इंच। 8 इंच पर मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया है। इस निशान को सीधा करेंगे और यहाँ से हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। तो ये मैंने एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दिया है। इसको अब हम 4 फोल्ड में करेंगे। 4 फोल्ड में करने के बाद यहाँ से हम गले के लिए निशान लगाएंगे। तो 2 इंच से थोड़ा सा कम, यानी कि 1.25 इंच पे मैंने निशान लगाया है, और ये जो गहराई है ये हमने 2.5 इंच पे लगाया है। अब यहाँ से हमें बॉक्स बना करके गले की शेप का निशान लगा देना है। तो इस तरह से मैंने गले के लिए निशान लगा दिया है। अब इस पर हमें कटिंग कर लेनी होगी। तो ये हो गई हमारे गले की कटिंग। साइड से हमें कुछ भी कट नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल सी इसकी कटिंग है। अब यहाँ से हमें पीछे वाले पार्ट में कटिंग करना होगा, क्योंकि पीछे वाले पार्ट में हमें खोला हुआ रखना है, पहनाने में इजी रहता है। तो इसलिए देखिए मैंने इसको कट कर दिया है यहाँ से। अब कट करने के बाद अब हमको इसकी सिलाई शुरू करनी होगी। तो पीछे के पार्ट में हम छोटी छोटी पट्टी लगाएंगे दोनों साइड इस तरह से। तो इन पट्टियों को हम इस तरह से लगा करके पहले सेट कर लेंगे और पीछे वाले पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे। तो इसको देखिए मैंने बना करके सेट कर लिया है। इनको बनाने के बाद इसको हम साइड में रखेंगे और फिर वापस से हम अपना घेर उठाएँगे और घेर के दोनों पार्ट को पहले हम अलग अलग कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने दोनों पार्ट को अलग कर लिया है। अब इसका जो मैंने सेंटर में कट लगाया था, वहाँ से हम इस तरह से प्लेट लगाना शुरू करेंगे, यानी कि यहाँ से हम बिल्कुल छोटा छोटा सा चुनट लगाएंगे। तो इस तरह से दोनों साइड 3-3 चुनट मैंने लगा लिया है दोनों घेर में। इस घेर को मैंने बना करके तैयार कर लिया है। अब ये जो मैंने टॉप पार्ट बनाया था, इसको हमें यहाँ से ज्वाइंट करना होगा। तो इस तरह से दोनों में हम दोनों कपड़े को रख करके सेट कर लेंगे। फिर वापस से हम इसे इस तरह से इस साइड पलट देंगे और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। दोनों में इस तरह से हम सिलाई लगा करके इसको तैयार कर लेंगे। तो देखिए दोनों को मैंने रेडी कर लिया है तैयार करके, सिलाई करके। अब इसको एक दूसरे के ऊपर इस तरह से हम रखेंगे और दोनों के कंधे को हम ज्वाइंट कर देंगे सिलाई लगा के। फिर उसके बाद हम इसे खोल लेंगे इस तरह से। कंधे को ज्वाइंट करने के बाद फिर हमने पाइपिंग कट कर ली है। इस पाइपिंग को हमें यहाँ पे बाजू में, दोनों बाजुओं में और गले में हमें लगा लेना है इस पाइपिंग को।
तो ये मैंने पाइपिंग लगा करके कंप्लीट कर ली है दोनों बाजू में, और गले में मैंने पाइपिंग को लगा करके कंप्लीट कर लिया है। अब साइड से हमें इसे फिटिंग की सिलाई लगाना है, तो इस तरह से हमें एक दूसरे पार्ट को इस तरह से सेट कर लेना है एक दूसरे के ऊपर, फिर यहाँ से हमें फिटिंग की सिलाई लगाना है, और नीचे की साइड एक सिलाई से हमें पूरे घेर को फोल्ड कर लेना है। तो लीजिए ये बेबी फ्रॉक बन के तैयार है, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही खूबसूरत सा, कम्फर्टेबल सा। गर्मियों के सीज़न में आप अपनी बेबी को इस तरह का फ्रॉक ईजिली बना के पहना सकती हैं। इस तरह की और भी प्यारे प्यारे फ्रॉक की वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है, आप चाहें तो उन सभी वीडियोस को देख करके आपको जो पसंद आए उस तरीके का आप फ्रॉक बना करके अपनी बेबी के लिए पहना सकती हैं। तो आई होप कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।